यातायात पुलिस के द्वारा रक्षाबंधन के दिन चलाया गया भागलपुर शहर में विशेष सघन वाहन चेकिंग अभियान। एक तरफ जहां नियम तोड़ने वालों से पुलिस शुल्क अदा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस ही इस नियम को तोड़ते हुए नजर आ रही है। भागलपुर यातायात पुलिस द्वारा भागलपुर के शहरी क्षेत्रों में विशेष सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस सघन वाहन चेकिंग अभियान के तहत दो पहिया वाहन में जिन्हें हेलमेट नहीं थे, चार पहिया वाहन में जो सीट बेल्ट नहीं पहने थे या फिर वन वे का उल्लंघन करते पकड़े गए वाहनों को भी सीज किया गया और उन्हें आर्थिक दंड दिया गया। इससे शहरवासी काफी परेशान भी हुए क्योंकि आज रक्षाबंधन था और इस पर्व के दिन कई परिवार के एक दूसरे से मिलने राखी बांधने के क्रम में निकले हुए थे। वही दूसरी ओर यातायात पुलिस जहाँ वन वे का उल्लंघन करने पर आर्थिक दंड दे रही है, वही पुलिस प्रशासन के लोग ही इस नियम को ताक पर रखकर नियम की धज्जियां उड़ाते दिखे। यह मामला तब हुआ जब कचहरी चौक पर एक महिला सिपाही वन वे को क्रॉस कर जा रही थी और वहां पर पद स्थापित पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश की। इतने में आन बान की बातें होने लगी और अंत में वह महिला पुलिस वाले के नियमों का पालन तोड़ते हुए निकल गई और जमकर तू तू मैं होते दिखा। वन वे का अनुपालन करने के लिए पिछले मई 17 से ही हम लोग प्रयासरत है, लेकिन यही देखा जा रहा है कि यहाँ लोग मानने के तैयार नहीं है। इवन की पुलिस वाला और कुछ बड़े पदाधिकारी भी देखते हैं इधर ये वन वे का उल्लंघन करते हुए ऑफिस जाते हैं। आज उन लोगों को या तो फाइन किया गया है या फिर वो अपना रास्ता खुद बदल लिए हैं। और इस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वन वे का हर हाल में अनुपालन हो ताकि जाम की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाए। आज हमने बहुत ज़्यादा लोगों को रोका है, कल भी रोके थे और फाइन भी किए थे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसके बाद ऐसा है कि यदि जो जल्दी में रसीद कटवा लेता है उसका 1000 फाइन कर रहे हैं, लेट करता है तो उसी गाड़ी को हम थाना में लगवाते हैं। फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम फ़ाइन है वो 5000 रुपया लगवाते हैं, साथ ही साथ जो लाइसेंस कैंसिलेशन की बात है वो भी करवाते हैं। तो मेरा जनता से अपील है कि अब भी आप लोग मान जाइए, वन वे का पालन कीजिए। हम लोग कर रहे हैं, इवन की पुलिस वाले को या फिर जो बड़े पदाधिकारी है कोई भी, हम किसी को भी छोड़ नहीं रहे। तो अनुरोध है कि आप लोग, ये अपील भी है, अनुरोध है कि वन वे का अनुपालन कीजिए, वो आपके हित के लिए है, कोई हम अपने लिए काज नहीं कर रहे हैं।